एक जमाने में पेप्सी के एड में एक स्लोगन आया करता कि दिल मांगे बोल, तो शमशेर ठाकुर जी बिल्कुल भी अभी तक तृप्त नहीं लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ठाकुर साहब? आप साथ बैठे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि शायद अब तक उन्हें ज़्यादा मज़ा इस मैच में नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए, और उम्र के इस मरहले पर जाकर कहते प्यास कहीं ना कहीं बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अनंत जी, कहीं ना कहीं काश हमने ये खेल खेला होता और इस तरह से इस चिलचिलाती धूप में एंजॉय कर रहे होते। और शमशेर ठाकुर, अगर आपने ये खेल खेला होता तो आप लिब्रो ही खेल सकते थे आज के नियम के अनुसार, क्योंकि जो आपकी कद काठी है वो आपको अनुमति नहीं देती है, तो लिब्रो के रूप में ही आपको खेलना पड़ा। अगर ठाकुर साहब आपको याद होगा, सुखबीर सिंह जी जब यहाँ पर आए थे तो एक तरह से जैसे ये स्टूल पे खड़े होकर उनके साथ जब वो फोटो सेशन करवा रहे थे तो वो उनका उनके लिए जो इनके अनायास जो प्यार था वो झलक रहा था बारंबार। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने इस बीच, और बहुत ही जबरदस्त अब्दुल का शॉट है। बिल्कुल मैं कहता हूँ वॉलीबॉल में एक बात कही जाती है कि छह खिलाड़ी जो लिफ्टर की उंगलियों पर नाचते हैं, क्या जबरदस्त कमाल था लिफ्टर का। और अब्दुल हमीद ने उस जमाने में जैसे दुश्मन जो टैंक थे वो उड़ाए थे अपने उस सूझबूझ के साथ, वही अब्दुल ने यहाँ पे भी कारनामा दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अगर हम कमेंटेटर की भूमिका इस वक्त निभा रहे हैं तो मैं अपने मंच पर पूरी कमेंट्री टीम के साथ माननीय श्री पवन राणा जी का कमेंट्री टीम की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा, शशिधर जी का भी कमेंट्री टीम की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा, अन्य डिग्नेटरीज जो यहाँ हमारे मंच पर है। हालांकि जब हम हटकर ये काम करते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने जो हम इसे इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स कहेंगे, स्टेज नहीं कहेंगे, तो हमारे कमेंटेटर बॉक्स में इन सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, क्योंकि कमेंटेटर के अधिकार में भी कुछ चीज़ें होती है तो वो चीज़ें भी निभानी पड़ जा रहा। अब्दुल का वहाँ पर चीन की दीवार की तरह बिल्कुल एक स्वच्छपंदी के रूप में खड़े होकर अब्दुल सामने खड़े हो गए वहाँ पारस के, और इस प्रकार से एक और अंक। और एक बड़ा मुझे पुराने जमाने का गाना याद आ गया, नाम अब्दुल है मेरा सब पे नजर रखता हूं। कल इस बात को मैं कल भी दोहरा रहा था क्योंकि आने जाने पर वाले पर ये नज़र रखते हैं और शायद गेंद पर भी ये पूरी तरह से नज़र रखते हैं। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। और इस वक्त मैच की एक ताज़ा स्थिति बताइएगा, क्या स्कोर हुआ? क्या 19-20 का ही फर्क है, तो लोग जी दोनों टीमों के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, स्कोर भी 19-20 और दोनों टीमों के बीच में 19-20 का ही फर्क है। ऊंट किस करवट बैठे, श्रोताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है, श्रोता चाहते हैं कि वॉलीबॉल की ही जीत हो, और वॉलीबॉल यहाँ पर निमगी के सदाबहार स्टेडियम पर पूरे यौवन पर है, इसमें क्यों ना हो यहाँ पर 4,000 से 5,000 प्रतियोगिता के समापन में हमारे मध्य में होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री सम्माननीय श्री गोविंद ठाकुर जी, जिनके पास 3-3, 4-4 विभाग है, वो थोड़ी देर में आपके मध्य में होंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप यहाँ बने रहें, शांति बनाए रखें और उनके आशीर्वचनों को सुन के यहाँ से नंदगढ़ के सदाबहार स्टेडियम से बाहर जाए, कुछ ना कुछ सौगात लेके आपके लिए अवश्य आएंगे। जहाँ हम खेल करवाते हैं, भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ का एक उद्देश्य है, खेल के साथ साथ जहाँ युवाओं को हम जोड़ते हैं, नशे प्रवृत्ति से खेल की ओर मोड़ते हैं, अलग दूसरी कुरीतियों से खेल की ओर मोड़ते हैं, वहाँ हमारा मकसद है कि हम विकास के लिए भी कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जो एक विकास का बहाना बने। और कुछ न कुछ गोविंद ठाकुर जी और हमारे यहाँ पर माननीय संगठन मंत्री जिनके पास पूरा सरकार का दायित्व होता है, इनके जहन में भी हम यहाँ की नंदगिरी की कुछ बातें डालेंगे, वो सारा विश्राम गृह में बैठ के तय होगा, उसका एक खाका तैयार किया हुआ है हमने, और उसके ऊपर अमली जामा पहनाने के लिए माननीय मुख्य अतिथि जो अभी इस मैच के लिए राणा जी यहाँ बैठे हैं, जिनके पास बहुत बड़ा दायित्व है, पूरी सरकार इनके इर्द गिर्द संगठन के इर्द गिर्द घूमती है, इन्होंने संगठन में जो अपना काम किया है वो खूबी उसकी बदौलत ही आज हम प्रदेश में काबिज है। और यहाँ पारस का एक और शॉट, स्कोर है इस समय हमारी अब 22 एक अंक की बढ़त हो गई है, शायद दर्शक ऐसा चाह नहीं रहे हैं, वो कुछ उल्ट चाह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो एक टीम स्टेज टू में बाहर हो, दर्शक चाहते कि अंतिम सेट हुई, और वहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब 23-21 ये राजनीतिक भाषा नहीं है, ये घरेलू भाषा है, आम भाषा है, आप लोग घर में विश्वासों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ नहीं वो बात सही है, तो ये जिरे का मुद्दा हो जाएगा ठाकुर साहब, चलो इसको रहने देते हैं। तो सारी चीजें दुनिया में हैक की जा सकती है, जब आप गवर्नमेंट की वेबसाइट कर सकते हो तो व्हाई नॉट ईवीएम। आनंद जी उसके लिए चलो उसको छोड़ देते हैं, उसके लिए खुला मंच हम 10 दिन बाद आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको खेल के मैदान में लिए चलते हैं, जहाँ
एक बड़ा मुकाबला होता हुआ इस बीच बहुत ही जबरदस्त सर्विस वापसी करने की कोशिश में लगी हुई है एक टीम और टैपिंग शॉट निकाला और एक और बहुत बढ़िया शॉट ठाकुर साहब जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वो दिखाया हल्के हाथों से टैप करते हुए उन्होंने डायगोनल बॉलें लगाई और वो खालिस्तान का पिस्टा के सामने बिल्कुल बॉल को मार दिया। गेम पॉइंट कितना 22 अंतिम मौका ए टीम के पास बी टीम के पास जबरदस्त प्रहार करा था इस बार अंकुश ने गेंद को लिफ्ट कराया पारस के लिए हल्के हाथों से टैप करा वहां पर कोशिश करने वापसी करने की कोशिश करी है और जबरदस्त बॉली देखने वो गेमा के भी देखने को बहुत बढ़िया डिफेंस इस बार जैसे तैसे पार करा और ये फॉल्टर कर गए और ये बचा गए इस बार ये गेम जो गेम पॉइंट पे इसे ही कहते हैं तलवार लगे खिलाड़ी की निशानी जिसे ही कहते हैं अंकुश ने देखा कि पीछे खाली है अंडर टर्न पीछे दे दिया और बिल्कुल सही लाइन के पास ये गेंद जा रही थी और वापसी करने की कोशिश कर रही है बी टीम। इस वक्त स्कोर है 24-23। जबरदस्त सर्विस थी लेकिन इस बीच ये मैच खत्म हो चुका है।